आपको बता दें कि मामला बुलंदशहर ब्लॉक बीबीनगर क्षेत्र के गांव अहमदानगर बिजली घर का है, जिस बिजली घर का लोकार्पण बहन कुमारी मायावती ने 15 जनवरी 2011 में अपने कर कमलों द्वारा किया था। वह बिजली घर आज मात्र 12 वर्षों में ही बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुका है, जिसका फर्श पूरी तरह से उखड़ चुका है, दीवारें गिर गई हैं, छत ने टपकना शुरू कर दिया है, दीवारों और बाउंड्री वॉल का प्लास्टर धीरे धीरे हटने लगा है। बरसात के दिनों में बिजली घर की भवन की छत से पानी मशीनों पर टपकता है, जिस कारण फॉल्ट होने से कई बार मशीनें बेकार भी हो चुकी हैं, जिसका खामियाजा कई गांव के लोगों को लाइट नहीं मिल पाने के कारण भुगतना पड़ता है। 2 साल से लोगों द्वारा अधिकारियों से लगातार शिकायत की जा रही है, लेकिन वहीं ढाक के 3 पात शायद जब तक कोई बड़ी घटना इस बिजली घर में नहीं होगी तब तक अधिकारियों की नींद नहीं खुलेगी। बिजली घर का सबसे बड़ा मामला ये है कि यहाँ की सारी ये 4 दीवारी जो टूटी हुई है, छत एकदम फटी हुई है, बारिश का पानी आता है अंदर और बारिश से ये जितना भी इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं ये गल चुके हैं। क्या पहले पूर्व में भी किसी से शिकायत की है इसकी? हमने शिकायत की केवल यहीं कि जो हमारा ये बिजली घर का स्टाफ है उसी को ही बोला कि भाई इसकी कंप्लेंट आगे करो, अब पता नहीं आगे हुई या ना हुई, बाकी यहाँ पर खतरा है। मतलब उन्होंने जो अपने उन्हें कहा कि कुछ करो तो उन्होंने कुछ किया नहीं किया? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ये अहमदानगर बिजली घर पर हम इसलिए आए हैं कि यहाँ जो है बड़ी अनियमितताएँ हैं, चारों तरफ की जो दीवार है इसकी बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, वो भी अंदर घुस आता है, बरसात के दिनों में इतना पानी भर जाता है कि, और फर्श वगैरह टूटा हुआ है, ऊपर से चूता है, बिल्डिंग जर्जर है, कभी भी गिर सकती है, 3-3 दिन के लिए बिजली ऑफ रहती है यहाँ से, ये समस्या है हमारी। क्या आपने पहले भी किसी को ज्ञापन वगैरह दिया है इसके बारे में? ज्ञापन तो हमने नहीं दिया, लेकिन जो बिजली घर के जेई वगैरह है उनको बार बार हम सचेत करते रहे कि इसको कराओ कराओ कराओ, वो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है। अब आपको प्रशासन से क्या उम्मीद है? प्रशासन से उम्मीद ये, प्रशासन योगी का प्रशासन काफ़ी चुस्त और दुरुस्त है, शायद हमारी बात को सुने और हमारी बात पूरी करें। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।